तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। आज 26 जनवरी पर जबकि पूरा भारतवर्ष हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहा है, आज हम सब भी यहाँ राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह से मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। जिन देशभक्तों की बदौलत आज विविधता में भी एकता है, आज उनको नमन करने का दिन है। वैसे तो हमारा हर क्षण उनका कर्जदार है, पर इस दिन का विशेष महत्व है। तो आइए आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन वीर सपूतों को याद करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त गणमान्य अतिथियों, जन प्रतिनिधियों का हम अपने संस्थान से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कि वे मंच पर दीप प्रज्वलन कर माँ भारती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं पुष्पार्पण कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करेंगे। और फिर आप बोल सकते हैं, तेरे चित्र फलक पर माता हम सब शीस नवाते हैं, तेरे चित्र फलक पर माता हम सब शीस नवाते हैं, तिलक लगाकर दीप जलाकर पुष्प सुमन चढ़ाते हैं। हम आप सभी का परिचय कराना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्थान के प्रमुख से। सर्वप्रथम आप लोगों से निवेदन है कि ध्वजारोहण का पुनीत कार्य संपन्न करने का कष्ट करेंगे। ध्वजारोहण पश्चात सभी सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान गाएंगे, और फिर आप बोल सकते हैं, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। और फिर आप देशभक्ति के नारों से पूरे सदन को गुंजायमान कर देंगे। इस समय देश के तिरंगे की अमर गाथा को बयान करता हुआ गीत गवाया जा सकता है। ध्वजारोहण के पश्चात समस्त अतिथियों को मंच पर पदासीन करने का कार्य करें एवं उनके सम्मान में कुछ कसीदे लगाते हुए आप उनके लिए सम्मान में कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं, हमारे सर आए हैं आज मुख्य अतिथि बनकर हमारे अतिथि को हृदय से तिलक लगाते हैं। ऐसी ही शख्सियत के धनी माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था प्रमुख को आमंत्रित करना चाहता हूं, और इनके सम्मान में आप सभी से जोरदार ताली चाहता हूं। इसी तरह से आप अन्य विशेष अतिथियों का स्वागत बारी बारी से अपने मेजबान साथियों के द्वारा करवा सकते हैं, और बीच बीच में उनके सम्मान में आप कुछ शायरियों का कलेक्शन रख सकते हैं। सभी अतिथियों के स्वागत के पश्चात आप उन सभी के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत करवा सकते हैं, जिसे प्रस्तुत करने के लिए मेजबान टीम से, अपने सदन से या फिर किसी संस्थान से अपने मेजबानों को आमंत्रित किया जा सकता है। स्वागत के पश्चात आती है कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण की बारी। देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की झांकियां, देशभक्ति गीत, कविता, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाती हैं। कार्यक्रम में कलाकारों के प्रोत्साहन, उनके सम्मान के लिए बीच बीच में तालियां बजवाते रहें, और उनके लिए सम्मान में कुछ शायरियां भी आप बोल सकते हैं। आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवाज करते हैं, आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवाज करते हैं, हमारे मेहमानों के सर सम्मान का ताज भरते हैं, भारत माता और वीर शहीदों को करके सजदा, कि भारत माता और वीर शहीदों को करके सजदा, गणतंत्र दिवस की इस महफिल का आगाज करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देशभक्ति गीत के साथ, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं ABCD। इन कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे, और फिर उनके कार्यक्रम के पश्चात उनके लिए बोल सकते हैं कि बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी इन कलाकारों ने, इनके लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। चलिए देशभक्ति से ओतप्रोत अगली प्रस्तुति को आमंत्रित करते हैं। जीत हो या हार हो असत्य ना स्वीकार हो, जीत हो या हार हो असत्य ना स्वीकार हो, झूठ हो न सत्ता तीन सच्चा कलमकार हो, देश दुनिया से रहो भले कोसों दूर, कि देश दुनिया से रहो भले कोसों दूर, निज भाषा देश धर्म
मातृभूमि से प्यार हो। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आने वाले कलाकारों का। शानदार प्रस्तुति के पश्चात आप ताली सारी कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, इन नन्हे फूलों पर इतना एहसान करना, इन नन्हे फूलों पर इतना एहसान करना, छुए ऊंचाइयों को खुदा से ये फरमान करना, और कुछ ना सही देने के लिए इनको कि और कुछ ना सही देने के लिए इनको कम से कम ताली से तो उनका सम्मान करना। देशभक्ति से उत्प्रोत शायरियाँ और ताली बजाने के लिए शायरियाँ, इन दोनों का ही वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है। इन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। देशभक्ति से ओतप्रोत इस 26 जनवरी के कार्यक्रम में कई प्रस्तुतियां बच्चों ने दी, सभी एक से बढ़कर एक थी, और शहीदों के बारे में बताने और बच्चों को सुभाषीष प्रदान करने मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय को, जिनको प्रभावी रूप से आमंत्रित करने के लिए आप इस शायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊंचे आसमान के पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान के पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज हमारे मंच पर वे मेहमान, निवेदन करता हूं जोरदार तालियों से कीजिए उनका सम्मान। ऐसे मार्गदर्शक जिन्होंने समाज के लिए अपना योगदान दिया है, वो रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं, फौजी हो सकते हैं, उनको आमंत्रित करने के लिए आप कह सकते हैं खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं, कि खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं, आप वह दीपक हैं जो औरों की खातिर जलते हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। यदि कोई महान शख्सियत जो आपके कार्यक्रम में पधारी है उनके सम्मान में आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, आपकी नेकियों का कहां तक बखान करें, वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयान करें, आप तो अपने आप में सहनसाह हैं हुजूर, आप तो अपने आप में सहनसाह हैं हुजूर, आप वो शख्सियत हैं जिन्हें सब सलाम करें। इन पंक्तियों के साथ जब किसी को आप उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठता है। विशिष्ट अतिथियों के उद्बोधन के पश्चात मुख्य अतिथि के उद्बोधन की बारी आती है, और उनके सम्मान में आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं, यह बड़ी सोच, यह दूरदृष्टि, यह ऊर्जा हमें भी मिल जाए तो हम सबके जीवन में भी आशा की कौपल खिल जाए। कृत उपकृत मन के भाव सुमन हम सादर अर्पित करते हैं, श्रीमान पधारे आप यहाँ, हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। ऐसे ही शख्सियत के धनी हमारे मुख्य अतिथि महोदय का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इस दौरान आप पूरे कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों के पारितोषिक वितरण और सांत्वना पुरस्कार के लिए बारी बारी से सभी अतिथियों को आमंत्रित कर सकते हैं, उनके हाथों से पारितोषिक वितरण करवा सकते हैं। और अंत में बारी आती है आभार प्रदर्शन की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था प्रमुख को हम आमंत्रित करते हैं कि वे आएं और आज के इस गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु समस्त आगंतुकों का, दर्शकों का आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करेंगे। और अंत में कार्यक्रम के समापन के लिए आप सभी से आज्ञा लेकर कार्यक्रम का समापन कर सकते हैं।